बोटला नीचे बैठ जाओ, घूम आगे घूम आगे, ये रखो बोटला बोल रोल कर रहे हैं। नवाज सबसे पहले जानना चाहूँगा हराम खोर इस फिल्म का जन्म कैसे हुआ और आप फिल्म का हिस्सा कैसे बने? सी पहले श्लोक जो थे जो डायरेक्टर ने फिल्म के गैंग्स ऑफ आसिपुर के टाइम पे ये आइडिया मुझे सुना है कि टीचर और एक स्टूडेंट की लव स्टोरी के ऊपर है, मैंने चलो करते हैं यार। तो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था कि स्मॉल टाउन में और टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप कैसी होती है, तो चले गए करने। लेकिन पहले इसका टाइटल का नाम था शरीफज़ादे, तो हमने सोचा भाई शरीफज़ादे कोई शराफत वाली लव स्टोरी होगी, बट जब उसने पिक्चर करवा ली, करवाने के बाद टाइटल चेंज कर दिया उसने और फिल्म का नाम रख दिया हरामखोर। ये बाद में हमें पता चला एक्चुअली, बट एनीवे हरामखोर जब से नाम पड़ा बहुत सारे मैसेजेस आए, ये किस तरह की पिक्चर कर रहे हो यार फालतू की और ये वो सब। मैंने कहा अब हम क्या करें, बट फंस गए तो फंस गए टाइप में। ओके, फिल्म के किरदार की अगर बात करूँ, क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? उसके अलावा ट्रेलर जब से आउट हुआ है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ट्रेलर को, जो जितना भी अब तक बाहर आया है, आपको लगता है कि आधी जंग जीती जा चुकी है जब इस तरह से लोग स्नेह और प्यार देते हैं? हाँ ऑफकोर्स लगता तो है ऐसा, बट आधे से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली। बट ये है कि हमारी फिल्म जो है ना ऑलरेडी प्रॉफिट में है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हम बेच चुके फिल्म को, फिल्म अंडर 1 करोड़ है और 2 करोड़ के आसपास वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें मिल गए, और बाकी जो है रिलीज़ के बाद जिस दिन इसका पहला टिकट बिकेगा ना वो प्रॉफिट में होगा, तो इसलिए थोड़ा खुशी है। बट फिल्म इस छोटे बजट की है, बट परफॉर्मेंसेज जो है ना वो 100 करोड़ की पिक्चर जैसी इससे भी बढ़िया है। तो क्या आपके किरदार की अगर बात करूँ, आप टीचर का किरदार निभाते नज़र आ रहे हैं, क्या रियल टीचर से आपकी मुलाकात करी क्या आपने, क्या और किस मतलब किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हुए नज़र आएंगे? हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाकायदा, है ना, और हिंदी इंग्लिश लिटरेचर सारी वेस्टर्न लिटरेचर, मैक्सिम गोर्की बर्नार्ड शॉ एंटोन चेखव सात्रे सब पढ़ाता है ये श्याम टेकचंद नाम है जिसका, बहुत इज्जत है इसके गांव में। नहीं क्या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए जब मैं आपके किरदार को देखता हूँ, पीछे हाथ करे हुए? हाँ करेक्ट एब्सोल्युटली ये आपने बहुत सही पकड़ा है, आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को पकड़ा है। मैंने एक इसमें एक अपना पोस्चर बनाया जो पीछे हाथ रख के चलता था, हमारे यहाँ एक टीचर थे ऐसे जो पीछे हाथ रखते थे, बहुत सारे टीचर हैं दोनों हाथ पीछे रखते हैं, बहुत सारे एक हाथ नीचे रखते हैं एक पकड़ लेते हैं ऐसे, तो इस तरह के पोस्चर मैंने देखे हैं अपने कॉलेजेस में, तो वो मैंने मेरे कहीं से रेफरेंस आया था मेरे दिमाग में मेरे स्कूल के दौरान, तो वो मैंने पकड़ा है इसमें। ये बहुत सही बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन है आपका यार। ओके, उसके अलावा आप तक इंडस्ट्री का क्या रेस्पॉन्स है और वहाँ से जो आपके दोस्त हैं मिलने वाले हैं, मैं सलमान भाई की बात करूँ या अरबाज भाई की बात करूँ, क्या उन्होंने ट्रेलर देखा है, क्या उन्होंने टीजर देखा है, और अगर देखा है तो क्या रेस्पॉन्स है? नहीं अभी तो ऐसा कुछ रेस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आया, बट आई थिंक देखा ज़रूर होगा, और नहीं देखा होगा तो भाई मैं बोलूँगा देखने के लिए कि देख लो एक बार ज़रा ट्रेलर देख लो डेफिनेटली। बाकी लोगों को तो जो देखा है बहुत मज़ा आ रहा है उनको, ट्रेलर में कमाल की हम अनएक्सपेक्टेडली वो हुई है कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ट्रेलर जो है इतनी जल्दी इतना लोग देख लेंगे, बट फाइनल थैंक गॉड मतलब इतने लोगों पसंद कर रहे हैं उस, जितने लोगों ने देखा उसके आधे लोग आधे से आधे भी आ जाएंगे ना हमारी पिक्चर तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। वन लाइनर बड़े पसंद करे जा रहे हैं जो भी आपने फिल्म में इस्तेमाल किया, चाहे वो गालियाँ ही क्यों ना हो उसे भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वल्नर मुझे बहुत अच्छे बहुत इम्प्रोवाइजेशंस हैं एक्चुअली, वो छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशंस हैं, जैसे एक बच्चा शक्तिमान के ड्रेस में पहन आता है अपनी नोटबुक लेके, तो बोलता है शाम मेरी नोटबुक में अचार कहाँ से आया, तो मैं बोलता हूँ बेटा ये मत पूछो कि कहाँ से आया, ये सोचो कि आया, और ये बहुत बड़ी बात है, तो बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ लगता है बहुत बड़ी बात बोल रहा है शाम। जैसे हमने कहा कि डिजिटली तो हम ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या नवाज जिस तरह से लोग प्यार दे रहे हैं फिल्म को, अगर कमर्शियल और सक्सेस मिलती है तो क्या आप उसमें कुछ अपना शेयर रखेंगे, क्योंकि डिजिटली तो पहले ही पैसा आ चुका है? देखिए नहीं वो तो खैर ये फिल्म मैंने 4 साल पहले की थी, और ये बहुत ही गलत बात होती है कि मैं फाइनली अगर फिल्म रिलीज़ हो रही है और मैं बोलूँ कि भाई इतना टेक मुझे दो इतना शेयरिंग मुझे दो,
ये फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है और बहुत ही एक प्यार की, बहुत ही ऑनेस्ट इंटेंशन से फिल्म बनाई गई है। और श्लोक मेरे लिए सबसे ज़्यादा श्लोक का वो है कि एक डायरेक्टर क्योंकि अपनी एक फिल्म पे बैठा रहता है जब तक रिलीज़ नहीं होती, 4 साल तक वो आदमी बैठा रहा, इतने ट्रबल्स के बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है फाइनली, तो आई थिंक ये खुशी सबसे ज़्यादा श्लोक को होनी चाहिए इस चीज़ की, और डेफिनेटली श्लोक को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है और उसकी खुशी में हम लोग उसका हम चाहते हैं कि जितना हमारी औकात है उतना सपोर्ट हम उसे कर सकें। श्लोक की बात करूँ या मैं श्वेता की बात करूँ, सबसे इंटरव्यू के दौरान दोनों का कहना यही है कि नवाज भाई की जो पॉपुलरिटी है, जो मशहूरियत है, जो उनको लोग पसंद करते हैं, वो फिल्म को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी बहुत सपोर्ट कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? फिर देखिए फिल्म की जो सक्सेस होती है वो उसको कितने स्क्रीन मिले हैं इस पर बहुत ज़्यादा करती है। अब एक बेकार सी पिक्चर को भी अगर आप 5,500 पिक्चर में रिलीज़ करेंगे तो 20,000 या 15 करोड़ 20 करोड़ तो उसको भी मिल जाते हैं, बट हमारी फिल्म जो है ना वो मुश्किल से बहुत ही कम थिएटर में रिलीज़ हो रही है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि हमारे साथ फिल्में दूसरी भी रिलीज़ हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हो रही हैं, ओके जानू और ट्रिपल एक्स, बट हमारी छोटी सी फिल्म है और जिन्हें डिफरेंट स्टफ़ देखने की आदत है या रियल स्टफ़ देखने की आदत है और कुछ चाहते हैं कि वह परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ देखें, तो ऑफ कोर्स हमारी फिल्म ज़रूर देखना है, वो हम यही चाहते हैं बस। ओके अनुराग, आपको लगता है कि आप जब आप बात करते हैं कि अलग फिल्म देखें जैसे ओके जानू हैं और फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन आपको फॉलो करने वाला या आपके फैन फॉलोइंग का खास क्लास बन गया है जो सिर्फ आपकी फिल्में देखता है जब रिलीज़ की कगार पे होती हैं, उस दौरान रिलीज़ कुछ भी हो रहा हो। मैं लास्ट फिल्म आपकी जो रिलीज़ हुई थी अरबाज खान प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, उसने बहुत कमर्शियली बहुत कामयाब रही। बिल्कुल, और क्योंकि क्या होता है, कामयाबी होती है उसके बजट के हिसाब से कामयाबी होती है। अगर आपने 60 करोड़ की पिक्चर बनाई, उसने 100 करोड़ कमा दिए, अब बहुत सारे लोग तो बोलने लगेंगे कि भाई वो हिट है, लेकिन 60 करोड़ की पिक्चर को एटलीस्ट आप 60 करोड़ की अगर पिक्चर है ना सर, तो उसके लिए आपको 200 कमाने पड़ेंगे या 175 करोड़ कमाने पड़ेंगे, लेकिन छोटी पिक्चर का ये होता है कि अगर 1 करोड़ में बनी है, 6 करोड़ पे कोई बोलेगा नहीं कि हिट हो गई है, लेकिन 6 करोड़ पे एक्चुअली वो या 4 करोड़ पे वो हिट हो जाती है, 4 करोड़ भी आ गए ना घर में तो हिट हो गई आपकी फिल्म, यू नो। तो आई डोंट नो कौन सा मैथमेटिक्स चलता है हमारे ट्रेड्स में, एक्चुअली ये मुझे पता नहीं चलता। ओके एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, एक चलन है इंडस्ट्री में कि कुछ हिट हो जाए या कुछ समझ में आ जाए तो एक्टर को खुश होकर कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर दे देते हैं। एक लव्य के दौरान विदुदर चोपड़ा ने बेंटले कार अमित जी को फिल्म हिट हो गई, पहले तो वो अपना पेटी भरे भाई क्योंकि 4 साल तक वो बंदा कैसे सरवाइव किया है वो मैं जानता हूँ, किस तरीके से सरवाइव कर रहा है एक डायरेक्टर जिसका पूरा सब कुछ डिपेंड होता है फिल्म पे, और वो फिल्म 4 साल हो जाए वो कैसे सरवाइव कर रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि फिल्म हिट हो और वो पहले अपना पेट भरे हो, उसके बाद जब बचा कुचा है वो उनको दे जो वाकई इस फिल्म के साथ लगे हैं, इसको सपोर्ट करने में लगे हैं। हम लोगों को तो क्या, देखो एक्टरों का क्या होता है कि वो तो चलो दूसरी फिल्म कर ली, तीसरी फिल्म कर ली, चौथी फिल्म कर ली ऐसे, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसके गुनीत ने बहुत बहुत मेहनत की है इस फिल्म को रिलीज़ करने में, सेंसर में फंसी हुई थी कैसे तैसे करके इसको, थैंक गॉड आज अपनी ज़िद उसकी अपनी ज़िद कामयाब हुई। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, मतलब आज की डेट में भी अगर इस, ये तो खुला वो है, ये तो मतलब एंशियंट टाइम पे भी ऐसा नहीं होता हुआ, मतलब पुराने वक्त में भी ऐसा नहीं होता, मतलब जानवर भी ऐसा नहीं करते, मतलब अटैक कर रहे हो आप बिल्कुल। थैंक यू,
करेक्ट करेक्ट नहीं बेल्ट दिखना थे नहीं